आज हम लोग देखने वाले हैं वैलिड या तो फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन होता है कि ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है। द इम्प्लीकेशन दैट स्टेटमेंट एस फॉलोज फ्रॉम स्टेटमेंट्स एस वन एस टू अप टू एस एन इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स है जिसका फॉर्म आप कनेक्ट करते हो एस के साथ, उसके साथ फॉलो करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट। इन शॉर्ट अनदर लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलना चाहें कि हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसका जो कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे उसके साथ हम लोग इम्प्लीकेशन कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ना तो ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। हम सब लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है, क्लियर? या तो फिर हर कोई ना कोई स्टैंडर्ड से पास होकर आया ही है, हर स्टैंडर्ड में सेम रूल ही होता है। या तो फिर अभी आप कॉलेज में हो तो इसके लिए भी सेम रूल है। अगर आपको फुल्ली पास करना है, आपको फुल ईयर पास करना है या फिर फुल सेम पास करना है, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको हर सब्जेक्ट में क्लियर होना ज़रूरी है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं कॉमर्स, तो आपको अकाउंट्स, रेडी को सी, फिर इंग्लिश, गुजराती और एसपी या तो फिर कंप्यूटर, इन सातों के सात सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा तो ही आप फाइनली पास कह पाओगे, क्लियर? इट मीन्स कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन, सेवन के सेवन सब्जेक्ट का आप कंजंक्शन करते हो एंड मस्ट नेसेसरी के सातों के सातों क्लियर होने चाहिए तो ही आप पास कहलाओगे, क्लियर? इट मीन्स कि हम लोग आर्ग्यूमेंट को ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, एस वन एंड एस टू एंड अप टू कहाँ तक हो सकते हैं? तो कि जितने नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास हो सकते हैं वहाँ तक, उन सब का हमें क्या करना है? तो कि कंजंक्शन करना है और फिर इम्प्लाइज करना है किसके साथ? एस के साथ। तो इम्प्लाइज का मतलब गाइस क्या होता है? इफ ओनली, क्लियर? इफ देन, यानी कि अगर आप ये सात सब्जेक्ट का कंजंक्शन करते हो, सात सब्जेक्ट में पास होते हो, देन आप क्या कहलाओगे? पास। और ये जो एस है वो हमारा क्या होगा? कंक्लूजन होगा, हमारा रिजल्ट होगा। इट मीन्स कि आपके पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबका आप कंजंक्शन करके कंक्लूजन के साथ उसका इम्प्लाइज फाइंड करते हो, इफ देन फाइंड करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है कि नहीं वो हम लोग आगे देखेंगे, वो कैसे चेक करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट है, दो या फिर उससे ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे, उसको हम लोग कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्लियर? वो हमारा वन पार्ट। जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो हमारा सेकेंड पार्ट, और फिर फर्स्ट पार्ट इम्प्लाइज सेकेंड पार्ट है, यानी कि फर्स्ट हमारे आर्ग्यूमेंट्स, इफ हमारे आर्ग्यूमेंट्स, देन हमारा रिजल्ट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट, क्लियर? आइए देखते हैं उसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कि हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट है वो, यानी कि एस वन से लेके एस एन तक, एंड फिर हमें करना है डॉट एंड कॉमा और फिर हमारा एस, क्लियर? ऐसे हम लोग पूरे आर्ग्यूमेंट को दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे सारे स्टेटमेंट है, ये हमारा रिजल्ट है, कंक्लूजन है, क्लियर? इन दिस आर्ग्यूमेंट S1, S2 up to Sn is called hypothesis. हमारे जितने भी arguments होंगे, statements होंगे, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? Hypothesis. और जो हमारा S है उसे हम लोग क्या कहेंगे? हमारा conclusion. Clear? Guys, ये खास ध्यान देना है आपको, examples जो भी प्रूफ करोगे उसमें आपको hypothesis और conclusion ऐसा करके दिया होगा, क्लियर? आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ करके नहीं दिया होगा। सच आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी अ लॉजिकली वैलिड। अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट लॉजिकली वैलिड है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, क्लियर? तो फर्स्ट वन, सच आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी लॉजिकली वैलिड इफ द कंक्लूजन एस इज ट्रू। अगर हमारा कंक्लूजन एस ट्रू आता है तो हम लोग उसे वैलिड कहेंगे। व्हेनेवर, और वो भी हमारा कब ट्रू मिलेगा, एस का आंसर कब ट्रू मिलेगा? व्हेनेवर द हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स एस वन से लेके एस एन आर ऑल ट्रू, यानी कि हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारे हाइपोथेसिस सब ट्रू है, तो ही हमारा रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करो, हम सातों सब्जेक्ट में पास है तो ही हम पास होंगे। सेम इज इट इज यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी हाइपोथेसिस हैं, उन सबको आप ट्रू करोगे, यानी कि वो सब आपके ट्रू है, तो ही आपका जो फाइनल कंक्लूजन है एस, वो क्या होगा? ट्रू। और अगर कंक्लूजन ट्रू हो जाता है और हमारे आर्ग्यूमेंट भी ट्रू है और वो दोनों मैच करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके गाइस, आगे देखते हैं। नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर लॉजिकल। जरूरी नहीं है कि हम लोग जितने भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो
हमेशा हमारे लॉजिकल ही हो. इट मीन्स कि हम लोगों ने अभी देखा कि भाई 7 सब्जेक्ट, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे स्टूडेंट ये सातों के साथ सब्जेक्ट पास करेंगे, कोई फेल भी हो सकता है. क्लियर? इट मीन्स कि वो वैलिड नहीं होगा एट दैट टाइम अगर हम लोग इसके साथ कनेक्ट करें तो. क्लियर? टू टेस्ट द लॉजिकल वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट वी मस्ट फॉर्म अ ट्रूथ टेबल. यानी कि अगर हमें हमारा लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है वो टेस्ट करना है, चेक करना है, तो हमें हमारा ट्रूथ टेबल फॉर्म करना पड़ेगा. क्लियर? द रोज इन विच ऑल स्टेटमेंट. अब ट्रूथ टेबल में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये लॉजिकल है कि नहीं है. द रोज इन विच ऑल स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, S1 से लेके SN और उसका साथ में कंक्लूजन, हैव ट्रूथ वैल्यू टी इन द ट्रूथ टेबल आर कॉल्ड क्रिटिकल रोज. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, सेम एज इट इज जैसा हर किसी में करते हैं. अगर आप ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते हो, फर्स्ट फाइंड आपके पास कितने स्टेटमेंट है, फिर उसकी टोटल पॉसिबिलिटी. क्लियर? फिर देन हमें जैसा हाइपोथेसिस में आर्ग्यूमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट 7 है तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है अगर आपको पास करना है तो, कि 33 क्रॉस करना पड़ेगा. क्लियर? तो अगर हमारे यहाँ पे जैसा भी कंडीशन है उसको हम लोग प्रूफ करके TF ऐसा वैल्यू देंगे. क्लियर? अब हमें क्या करना है, तो कि द रो इन विच ऑल स्टेटमेंट हैव अ ट्रूथ वैल्यू टी, हमारे सारे स्टेटमेंट का एक रो के अंदर, कोई भी रो हो सकता है या फिर दो या फिर उससे ज़्यादा भी रो हो सकते हैं, यानी कि हमारे रो के अंदर सारे हाइपोथेसिस के आंसर टी है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल रो. अगर जिस रो में हमारे सारे आंसर, जितने भी हाइपोथेसिस है, जो रो हमारा टी 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 ऐसा है, वो रो हमारा क्या हो जाएगा, तो कि क्रिटिकल रो हो जाएगा. क्लियर? अब आगे देखते हैं. पहला स्टेप ये हुआ, पहले तो क्या करेंगे आप, पॉसिबिलिटी करोगे, फिर जैसा स्टेटमेंट में बोला है, हाइपोथेसिस में बोला है, वैसा करोगे और फिर फाइंड करोगे कि कौन सा रो ऐसा है कि जिसमें सारे वैल्यूज टी टी है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही रो होगा, ज़्यादा भी हो सकता है. क्लियर? और फिर वो रो आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रोज. क्रिटिकल रो मिल जाने के बाद हमें ये ध्यान देना है हम सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रो को ही देखेंगे. क्लियर? फिर उसके बाद बाकी सबके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है. अब क्या करेंगे, तो कि इफ़ द कंक्लूजन एस हैज़ ट्रूथ वैल्यू टी, अगर हम लोगों ने हमारा क्रिटिकल रो फाइंड कर लिया है, फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो कि हमारा जो कंक्लूजन एस है उसके साथ. अगर हमारे कंक्लूजन एस का वैल्यू टी हो गया इन एवरी क्रिटिकल रो, कंपल्सरी एवरी क्रिटिकल रो, अगर हमारे पास 3 क्रिटिकल रो है तो तीनों क्रिटिकल रो के लिए हमारा कंक्लूजन टी होना चाहिए. अगर 5 क्रिटिकल रो है तो 5 के लिए कंक्लूजन टी होना चाहिए. इट मीन्स कि आपको जितने भी क्रिटिकल रो मिल रहा है उन सब के लिए आपका कंक्लूजन का आंसर क्या होना चाहिए, टी. ओके? ऑफ एन आर्ग्यूमेंट देन वी से दैट द आर्ग्यूमेंट इज अ लॉजिकली वैलिड. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो कि पहले टोटल स्टेटमेंट फाइंड करेंगे, पॉसिबिलिटी लिखेंगे, हाइपोथेसिस में बोला है वैसा वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या करना है, क्रिटिकल रो फाइंड करेंगे, जो रो में सब टी टी है वो क्रिटिकल रो, फिर क्रिटिकल रो को चेक करेंगे और मस्ट नेसेसरी एवरी क्रिटिकल रो, जितनी भी क्रिटिकल रो है उन सब का आंसर कंक्लूजन का कैसा होना चाहिए, टी. अगर हमारा क्रिटिकल रो का टी और कंक्लूजन का टी मैच हो जाता है फॉर एवरी क्रिटिकल रो, मस्ट रिमेंबर एवरी क्रिटिकल रो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट. क्लियर गाइस? सो ये हो गया हमारा वैलिड या तो फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. इसके आगे के लेक्चर में हम लोग सम करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे अप्लाई करना है. ओके गाइस?